हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम लोग फिर से वही एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2 को कंटिन्यू करते हैं और कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो हमारे रह गए थे उन क्वेश्चंस को हम लोग आज कवर करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं जरा। एक क्वेश्चन है बच्चों, मैं दो क्वेश्चन लिख के दे रहा हूँ, हिंट दूंगा, आप खुद से ट्राई करेंगे, उसके बाद फिर मैं उसको सॉल्व करूंगा। चलिए, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको जरा देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, द 17th टर्म ऑफ एपी, दी ये एक्सरसाइज है, क्वेश्चन है। अब द 17th टर्म ऑफ एपी, तो ये कौन सा टर्म है? 17th टर्म ऑफ एपी एक्सीड्स 10th टर्म, एक्सीड्स 10th टर्म बाई 7। ठीक है, कह रहा है फाइंड कॉमन डिफरेंस, फाइंड कॉमन डिफरेंस यानी डी फाइंड करने को कह रहा है। और एक अगला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, ये क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ एपी, विच टर्म ऑफ एपी क्या एपी गिवन है आपको? 3, 15, 27, डॉट 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 इज 132 मोर, इज 132 मोर देन 54th टर्म। ठीक है, ये दो सवाल हैं, इन दो सवाल को आप लोग सॉल्व करिए। ठीक है, इसको मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दे रहा हूं। कह रहा है 17th टर्म ऑफ एपी एक्सीड्स 10th टर्म बाय 7, यानी 17th टर्म की कुछ वैल्यू होगी। ठीक है, 17th टर्म यानी एन की वैल्यू आपको 17 गिवन है। ठीक है, और वैसे ही कह रहे हैं एक्सीड्स 10th टर्म, 17th टर्म की कुछ वैल्यू है और 10th टर्म की कुछ वैल्यू है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सीड करने का मतलब ज्यादा होना, तो 17th टर्म जो एपी का है वो 10th टर्म से ज्यादा है। कितना ज्यादा? 7 ज्यादा है। तो अगर अगर 10th टर्म 15 है तो 17th टर्म क्या है? 22, 7 ज्यादा है, तो दोनों का डिफरेंस यानी कि 7 के बराबर है ना। तो आप ऐसा करिए, 17th टर्म के लिए फॉर्मूला लिखिए जो वैल्यू पुट कर सकते हैं पुट करिए, 10th टर्म के लिए फॉर्मूला लिखिए जो वैल्यू पुट कर सकते हैं पुट करिए, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 17th टर्म का फॉर्मूला जो है माइनस 10th टर्म का जो फॉर्मूला है वो 7 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो उसको करिए। क्यों ऐसा है? क्योंकि कह रहे हैं कि 17th टर्म 10th टर्म से 7 ज्यादा है, यानी दोनों के बीच का अंतर, दोनों का डिफरेंस जो है वो 7 है। तो दोनों टर्म निकाल के डिफरेंस निकाल लीजिए, डिफरेंस 7 के बराबर है। अब ये कह रहा है विच टर्म ऑफ एपी इज 132 मोर देन 54th टर्म। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, आपको एपी गिवन है, 54th टर्म आप लोगों ने निकाल लेना है। जो भी 54th टर्म आएगा उसमें 132 ऐड कर दीजिए, मोर का मतलब यही है ना, ज्यादा, 132 ऐड कर दीजिए, एक नया टर्म मिल जाएगा, वो एन आपको, वो वैल्यू एन होगा। और विच टर्म यानी एन पूछ रहा है, सॉल्व करके निकाल लीजिए। चलिए बच्चों ट्राई करें। कर लिए बच्चों? चलिए जरा हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किए खुद से। तो क्वेश्चन कह रहा है 17th टर्म ऑफ एपी, तो पहले तो फॉर्मूला बताइए, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? तो nth टर्म का फॉर्मूला हमारा है an इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। अब हमसे कह रहा है 17th टर्म, तो 17th टर्म कहने का मतलब क्या बच्चों? 17 क्या दिया हुआ हमें? n की वैल्यू है ना, तो 17th टर्म का मतलब कि n हमारा 17 के बराबर है। तो n की जगह अगर 17 पुट करें तो क्या हो जाएगा हमारा? a17 इज इक्वल्स टू a प्लस 17 माइनस 1 यानी कि 16d। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1।
उसी तरीके से जो टेंथ टर्म की बात कर रहे हैं, यानी कि टेंथ टर्म जो हमारा है वो क्या होना चाहिए, टेंथ टर्म का मतलब कि n की वैल्यू 10 गिवन है, तो a 10 हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा a प्लस 10 माइनस 1 यानी कि 9d। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब कह रहा है कि इनका डिफरेंस 7 है भाई, 17th टर्म 10th टर्म से एक्सीड मतलब बड़ा है, कितने से बड़ा, 7, यानी कि दोनों के बीच का गैप 7 का है, यानी कि दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 7 मिलना चाहिए, यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप देखिएगा जो मैं लिख रहा हूं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए 17 माइनस ए 10 7 के बराबर है। अगर कहता है कि 17th टर्म छोटा है 10th टर्म से 7 से, तो 10th टर्म माइनस 17th टर्म करते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर जो बड़ा है माइनस छोटा, 17th टर्म क्या है बताइए, a प्लस 16d माइनस 10th टर्म क्या है आपका, a प्लस 9d। देखिए ये प्लस a और ये माइनस a कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 16d और माइनस 9d, तो 16 माइनस 9 क्या हो जाएगा, 7d इज इक्वल्स टू 7, तो यहां से d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 के बराबर। यही तो हमें d फाइंड करने को कह रहा था, कर लिया हमने। चलिए अगला सवाल देखते हैं, ऐसे इन सवालों में कोई दम नहीं है, बस जो सवाल कहते आ रहे हैं उसको एज इट इज उसको फॉलो करना है। विच टर्म ऑफ एपी, यानी एपी गिवन है, एपी का पहला टर्म 3, कॉमन डिफरेंस 15 माइनस 3 यानी कि 12। विच टर्म ऑफ एपी इज 132 मोर देन 54th टर्म, यानी 132 किससे ज्यादा होना चाहिए 54th टर्म से, तो भाई पहले 54th टर्म तो पता होना चाहिए ना कि 54th टर्म की वैल्यू क्या है, तब तो उसमें 132 मोर जाने किस नंबर की बात कर रहा है, यानी हमें पहले 54th टर्म निकालना है, n की वैल्यू हम लोग 54 पुट करके और an जो है वो हम लोग निकाल लेंगे, यानी a 54 जो है वो हम लोग निकाल लेंगे। तो बच्चों फॉर्मूला क्या लगाते हैं हम लोग, बताइए जरा nth टर्म का फॉर्मूला क्या है हमारा, तो फॉर्मूला देखिएगा सही लिख रहा हूं या गलत बताइएगा, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। अब हमें निकालना है a 54, तो a 54 हमारा हो जाएगा इक्वल्स टू a यानी कि 3 प्लस n माइनस 1 यानी 54 माइनस 1 यानी 53 इंटू डी की जगह हम लिखेंगे 12, ये हमारा हो जाएगा 3 प्लस 53 इंटू 12 कितना होता है, तो कैलकुलेट करके देखिएगा 53 इंटू 12 हमारा होता है 636। अरे 53 इंटू 10 कितना होता है 530 और 53 इंटू 2 कितना होता है 106, 530 प्लस 106 636, तो यानी कि a 54 हमारा निकल कर आ गया इक्वल्स टू 636 प्लस 3 यानी कि 639। अब क्वेश्चन कह रहा है 132 मोर, यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन हमें an देना चाह रहा है वो जो 54th टर्म है उससे 132 ज्यादा है, यानी 639 प्लस 132 ये कितना हो जाएगा 600 और 100 700 और 30 और 30 60 यानी 760 769 771 771। ठीक है, हमने क्या किया अभी तक, हमने 54th टर्म के लिए वैल्यू फाइंड करना शुरू किया है, क्लियर है। तो a हमारा 3 है, d हमारा 12 है, a की जगह 3 लिखा और 54 है तो 54 माइनस 1 और 53 इंटू 12 ये हमारा 639 आ गया। अब कह रहा है 132 मोर, तो 639 में 132 हमने ऐड कर दिया, 771 आ गया। अब हमें an गिवन है 771, है ना, इसी ap की बात हो रही है, तो a हमारा है 3 और d हमारा है 12, तो अब जरा फॉर्मूला लगा दीजिए, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी,
एन की वैल्यू है 771 इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू है 3 प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू है 12। तो यहां पर हम लोग एन माइनस 1 इंटू 12 को छोड़ देते हैं और 3 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 768, है ना। 3 जो है इधर जाकर नेगेटिव हो जाएगा, 768 हो जाएगा। तो यहां से एन माइनस 1 हमारा कितना हो जाएगा, 768 अपॉन 12। जरा कट करके देखते हैं, 12 6 72, कैरी बचा 4 4 8 48 12 4 48, ठीक है। तो अब यहां से आप लोग लिख सकते हैं n इज इक्वल्स टू ये माइनस 1 जब इधर आएगा प्लस 1 हो जाएगा 65, यानी कह रहा है विच टर्म, तो कौन सा टर्म हमारा 65th टर्म, ठीक है बच्चों। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए, कहीं अगर गड़बड़ किया है तो ठीक कर लीजिए समझ के लेके। चलिए बच्चों ये दो सवाल हैं आपके घर पे करने के लिए हैं, प्रैक्टिस करिएगा। सेम क्वेश्चन है, बस वैल्यू चेंज है। मैं कह रहा हूं 12th टर्म एपी का 8th टर्म से 64 ज्यादा है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। उस तरीके से आपको एपी दिया गया है और कह रहा है कौन सा टर्म इसके 38th टर्म से 180 ज्यादा है, ठीक है। इन दो क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो क्वेश्चन आपका अच्छे से समझ में आ जाएगा। नोट कर लें बच्चों, बच्चों दो सवाल हम लोग nth टर्म ऑफ एपी के लिए वर्ड प्रॉब्लम्स करते हैं, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम्स देखते हैं, छोटा छोटा लिखूंगा, आप मेरे साथ कॉपी कर लें। क्वेश्चन क्वेश्चन कह रहे हैं कि सुबह राव, चलिए मैं सिर्फ सुबह लिख रहा हूं, ठीक है। सुबह स्टार्टेड वर्क In 1995 at salary of 5000 rupees 5000 and received increment and of rupees 200 each year, ठीक है। In which year did her income रीच रुपीज 7000, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन है रामकली सेव्ड रुपीज 5, नाम भी चुन चुन के रखते हैं एनसीईआरटी वाले। रामकली सेव्ड रुपीज 5 इन फर्स्ट वीक ऑफ ईयर, इन फर्स्ट वीक ऑफ ईयर ठीक है, एंड इंक्रीज हर सेविंग्स वीकली सेविंग्स by 1.75 rupees, ठीक है। In which week, यानी कि nth, in which week, n पूछ रहे, did her savings become रुपीज 20.75,
ठीक है, यानी कह रहे हैं कि कौन से हफ्ते में उसने 20 रुपए 75 पैसे बचाए। कह रहे सुबह स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट अ सैलरी ऑफ 5000, यानी पहली पहले साल की सैलरी उसकी 5000 थी। ठीक है, पहले साल की सैलरी उसे कितनी थी बच्चों, पहले साल की सैलरी उसकी 5000 थी, और यानी कि ए की वैल्यू गिवन है आपको 5000। और कह रहा है एंड रिसीव्ड इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर, हर साल उसके 200 रुपए बढ़ जाते थे, यानी कि दूसरे साल में कितनी कमाई हुई 5200 हर महीने की, फिर 5400, 5000, यानी कॉमन डिफरेंस जो है वो आपका 200 का है। तो कह रहा है कि इन विच ईयर, यानी वो ईयर की वैल्यू पूछ रहा है कौन से साल में, यानी कि एन आपसे पूछा जा रहा है, डिड हर इनकम रीच 7000, यानी आपको वैल्यू दे रखी है कभी ना कभी 5000, 5200, 5400, 5600 करते करते कोई ना कोई टर्म होगा ना ए एन जो कि 7000 के बराबर होगा, तो एन आपसे पूछ रहा है। तो कैसे करेंगे इसको, फॉर्मूला आप सब सीख चुके हैं, फॉर्मूला हमारा है ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्लियर है, तो ए एन की जगह हम लोग रख देंगे 7000, चलिए रख दिया भाई, ए की जगह लिख देंगे 5000 प्लस एन माइनस वन इंटू डी की जगह कितना लिख देंगे 200, 5000 को इधर भेज देंगे, 7000 माइनस 5000 हो जाएगा 2000, ठीक है, इज इक्वल्स टू एन माइनस वन इंटू 200, और इस 200 को भी इधर भेज देंगे तो हो जाएगा एन माइनस वन, ये 2000 इधर एज इट इज था, और 200 इधर मल्टीप्लीकेशन में है, इधर आ जाएगा डिविजन में 0000, और ये आपका 10, यानी एन की वैल्यू कितनी है 11, यानी कि 11th ईयर में, तो 1995 से 11th ईयर कितना हो जाएगा 2006, तो आप कहेंगे कि इन 2006 हर इनकम रीच रुपीज 7000। ठीक है, चलिए, तो एक सवाल आपने मैंने आपको करके दे दिया, ये सवाल आपने सोचना है खुद से और ये आपको करना है, अभी करिए फिर हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए कर लिया बच्चों, ठीक है, देखते हैं जरा इसको, उम्मीद करते हैं आपने इसको सॉल्व कर लिए हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं जरा। कह रहे हैं कि जो राम कली है उसने 5 रुपए पहले हफ्ते, एक साल के पहले हफ्ते में उसने कितने पैसे बचाए हैं, 5 रुपए बचाए हैं, तो फर्स्ट वीक की सेविंग 5 रुपीज, यानी कि पहले हफ्ते की सेविंग होगी 5। अच्छा, फिर कह रहा है कि एंड इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाई 1.75, यानी अगले हफ्ते 5 रुपए से 1.75 रुपीज ज्यादा बचाया उसने, यानी कि अगले हफ्ते की उसकी सेविंग है 6.75 रुपीज, फिर उसके अगले हफ्ते 1.75 और ज्यादा बचाया तो कितना हो जाएगा 8.5 रुपीज, ठीक है, फिर उसके बाद फिर 10.25 रुपीज, और इस तरीके से उसकी सेविंग जो है चलती चल रही है। तो यानी कि यहां पर ए जो आपको गिवन है वो 5 गिवन है, जो कॉमन डिफरेंस है वो 1.75 गिवन है ना, एपी के फॉर्म में उसने बचाया है ना। अब कह रहा है कि इन विच वीक, यानी कि एन आपसे पूछा जा रहा है ना, विच टर्म विच वीक, तो ये एन पूछा जा रहा है, डिड हर सेविंग बिकम 20.75, तो कोई ना कोई टर्म एपी का 20.75 जरूर होगा, इसीलिए आपको ये दिया गया है। तो फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, एक फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, nth टर्म का फॉर्मूला, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए एन कितना हमारा है 20.75, ए कितना है 5, एन कितना है नहीं पता, डी कितना है 1.75, तो 5 को उधर भेज दिए तो ये कितना हो जाएगा 15.75, अरे 20 में से 5 जाएगा तो 15 बचेगा, तो 20.75 है तो 15.75,
इज इक्वल्स टू एन माइनस वन इंटू 1.75। अब देखिए एन माइनस वन कितना आ जाएगा, 15.75 अपॉन 1.75। मैं डायरेक्ट कट कर दूं 9 आ जाएगा, लेकिन फिर आप बोलेंगे कैसे कट कर दिया, तो इसको हम लोग जरा 25 से कट करते, 25 से कट करेंगे तो 7 टाइम्स जाता है 175, और इसको 25 से कट करेंगे 25 6 150, कैरी बचा 7 तो 63, और फिर 7 और 63 इट आपको पता है कि 9, तो n माइनस 1 आ गया इक्वल्स टू 9, इसलिए n कितना हो जाएगा 10, यानी कि 10th वीक में उसकी सेविंग जो है वो 20.75 रुपीस हुई। ठीक है, चलिए बच्चों इसको आप नोट कर लें, समझ के नोट करिएगा। चलिए बच्चों एनसीईआरटी के दो क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज 5.2 के एक क्वेश्चन है, डिटरमाइन एपी होस, क्वेश्चन लिख लें, डिटरमाइन एपी होस थर्ड टर्म इज 16, होस थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवेंथ टर्म exceeds fifth term, by 12. ठीक है, determine AP whose third term is 16 and seventh term exceeds fifth term by 12. ठीक है, एक question है, two AP have same common difference, दो AP है उनका common difference same है, 2 AP have same common difference, ठीक है, 2 AP है इनका common difference same है। अगर कहता है question, difference between their 100th term, difference between their 100th term is 100, ठीक है, so find difference between their 1000th term, क्लियर है बात, ये दो सवाल है, ये पहला क्वेश्चन तो आप खुद से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि एक एपी है जिसका थर्ड टर्म 16 के बराबर, एक इक्वेशन बना लेंगे, फिर कह रहा है सेवेंथ टर्म एक्सीड्स फिफ्थ टर्म बाय 12, तो सेवेंथ टर्म फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है, यानी इनका डिफरेंस 12 के बराबर है, तो उससे डिफरेंस निकाल के जो भी वैल्यू मिलेगी उसको पहले वाले इक्वेशन में पुट करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आप लोग, एक बार थोड़ा सा दिमाग लगाकर सॉल्व करने की कोशिश करिए। कर लिए बच्चों, चलिए ठीक है, ये दोनों सवाल जो है इसको हम लोग बनाते हैं। पहला सवाल तो उम्मीद करते हैं आपने खुद से भी ट्राई किया है। देखिए एपी में बस एक ही चीज है, क्वेश्चन आपको जिस तरीके से जो जो कहता चल रहा है आपको वो चीजें स्टेप बाय स्टेप करने को है, और रिजल्ट आपका फाइनल निकल कर आ जाएगा, और इसमें ज्यादा इससे ज्यादा कुछ है नहीं, तो आपको ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन देखिए जैसे मैं बता रहा हूं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि डिटरमाइन एपी हुज थर्ड टर्म इज 16, तो थर्ड टर्म इज 16 कहने का मतलब, थर्ड टर्म
इज 16. इसका मतलब थर्ड टर्म का मतलब n आपको दिया हुआ है 3 और थर्ड टर्म की वैल्यू यानी a3 आपको गिवन है 16. ठीक है, फॉर्मूला क्या यूज करते हैं हम लोग बच्चों? फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी. ये फॉर्मूला यूज करते हैं. तो n इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू 3, a3 इज इक्वल टू 16. तो क्या हम लिख सकते हैं ए एन, एन की जगह 3 पुटे तो ए थ्री इज इक्वल टू ए प्लस एन की जगह 3 पुटे 3 माइनस 1 यानी कि 2d. हो सकता है एन की जगह 3 पुट किया तो ए थ्री इज इक्वल टू ए प्लस 3 माइनस 1 यानी कि 2d. अब ए थ्री की वैल्यू गिवन है 16, यानी कि ए प्लस 2d हमारा 16 के बराबर है ना. आपको एपी फाइंड करना है, एपी है क्या लिखना है वो. तो एपी के लिए क्या चाहिए होता है? अरे एपी के लिए चाहिए क्या, हमें फर्स्ट टर्म चाहिए, डी चाहिए. भाई एपी में फर्स्ट टर्म अगर ढूंढ लिया और डी ढूंढ लिया तो बात बन गई. ठीक है, तो एक इक्वेशन तो ए और डी के टर्म्स में हमारा आ गया, हमें एक और इक्वेशन चाहिए ए और डी के टर्म्स में. तो आगे कह रहा है एंड सेवेंथ टर्म एक्सीड फिफ्थ टर्म. तो सेवेंथ टर्म जो हमारा है, सेवेंथ टर्म क्या होता है? सेवेंथ टर्म हमारा होता है ए सेवन, होता है ना. सेवेंथ टर्म यानी एन की जगह क्या पुट करना है? सेवन. तो हो जाएगा ए सेवन, ये क्या हो जाएगा इक्वल्स टू ए प्लस सेवन पुट किया सेवन माइनस वन यानी कि 60 होगा. और उसी तरीके से कह रहा है फिफ्थ टर्म, तो फिफ्थ टर्म का मतलब क्या हो गया? फिफ्थ टर्म का मतलब हो गया ए फाइव. गलत तो नहीं कह रहा मैं, फिफ्थ टर्म का मतलब एन फाइव है, फाइव पुट करिए ए फाइव, ये हो जाएगा इक्वल्स टू ए प्लस एन की जगह 5 पुट करेंगे तो 5 माइनस 1 यानी कि 4d. अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है सेवेंथ टर्म एक्सीड सिक्स्थ टर्म. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेवेंथ टर्म एक्सीड फिफ्थ टर्म बाय 12, यानी फिफ्थ टर्म की जो भी वैल्यू है सेवेंथ टर्म की वैल्यू उससे 12 ज्यादा है, यानी दोनों के बीच में डिफरेंस जो है वो 12 के बराबर है. तो इसका मतलब कि ए सेवन माइनस ए फाइव ये 12 के बराबर है. ए सेवन की वैल्यू कितनी है? ए प्लस 60. ए फाइव की वैल्यू कितनी है? ए प्लस 4d इज इक्वल्स टू 12. ए से ए कट जाएगा और 60 माइनस 4d हो गया इक्वल्स टू 2d इज इक्वल्स टू 12. यहां से d की वैल्यू मिल जाएगी 6. अब d की वैल्यू 6 मिल गई, पहले वाले इक्वेशन में पुट कर दीजिए. a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 16 है ना, तो क्या करें d की जगह 6 पुट कर दें. अगर d की जगह 6 पुट कर दें तो हो जाएगा a प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 16. तो यहां से a कितना हो जाएगा? 16 माइनस 26 जब 12, तो यानी कि a की वैल्यू आ गई आपकी 4 के बराबर. क्या आप ap हम लोग बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं सर. ap हमारा होता है a प्लस डी ए प्लस 2d एंड सो ऑन. तो a आपका है 4, a प्लस डी यानी कि a की जगह 4 रखिए, d की जगह 6 रखिए तो 10 मिलेगा. फिर a प्लस 2d, 26 12, 12 प्लस 4 16, फिर ऐसे 22, 28 और ऐसे आपको मिलता चला जाएगा. यही तो ap आपसे कह रहा था डिटरमाइन करने को, डिटरमाइन कर दिया. समझ में आया ये? चलिए अब हम लोग दूसरा सवाल जरा देखते हैं कि दूसरा सवाल हमारा क्या है. दूसरा सवाल कह रहा है कि टू एपी हैव सेम कॉमन डिफरेंस. तो मान लेते हैं कि जो कॉमन डिफरेंस है, लेट कॉमन डिफरेंस दोनों एपी के लिए, क्योंकि दोनों एपी का कॉमन डिफरेंस सेम है, इसलिए हम मान लेते हैं कि कॉमन डिफरेंस जो है वो डी के बराबर है. किसके बराबर है बच्चों? डी के बराबर है. तो जो पहला एपी हमारा बनेगा, जो हमारा फर्स्ट एपी बनेगा, फर्स्ट एपी का फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम लोग? फर्स्ट एपी का फॉर्मूला लिखेंगे ए एन इज इक्वल्स टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी. ठीक है, क्लियर है? एन माइनस ए एन ही लिख देते हैं. ठीक है, एनएफ टर्म के लिए, एनएफ टर्म पहले वाले एपी का एनएफ टर्म कैसे लिखेंगे? ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी. आप बोलोगे सर ए वन क्यों लिखा है, ए क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हम लोग सेकेंड एपी जो है उसको लिखने जा रहे हैं,
सेकेंड एपी को हम लिखेंगे ए टू प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अरे सर आपने ए वन ए टू ए में जाती कर दी आपने, डी को आप चेंज नहीं कर रहे हैं। देखिए नोटिस करिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉमन डिफरेंस सेम है, टू एपी हैव सेम कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस को हमने डी माना है। पहले वाले एपी का भी कॉमन डिफरेंस डी, दूसरे वाले एपी का भी कॉमन डिफरेंस डी, तो एन माइनस वन इंटू डी तो दोनों में आएगा ना। अच्छा लेकिन चूंकि दोनों एपी अलग अलग है इसलिए उनका पहला टर्म भी अलग अलग होगा, तो इसलिए मैंने इसको ए वन लिखा है, इसको ए टू लिखा है, दोनों के लिए nth टर्म का फॉर्मूला हमने फाइंड कर लिया। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये फर्स्ट लाइन जो कह रहा था वो तो हमने कर दिया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन देयर हंड्रेड टर्म इज हंड्रेड, डिफरेंस बिटवीन देयर हंड्रेड टर्म, यानी पहले एपी के लिए हंड्रेड टर्म लिखते हैं, फर्स्ट एपी का, फर्स्ट एपी के लिए। चलिए ऐसा करते हैं फर्स्ट एपी को हम लोग कैपिटल ए एन सिंबल से लिखते हैं ताकि आपको अंतर मालूम चल सके। तो फर्स्ट एपी के लिए हंड्रेड टर्म यानी कि ए हंड्रेड, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन देयर हंड्रेड टर्म, तो हंड्रेड टर्म क्या है अगर वो हमें पता चल जाए तो डिफरेंस भी निकाल लेंगे। क्या होगा ये हो जाएगा इक्वल्स टू ए वन प्लस हंड्रेड टर्म यानी एन की जगह हंड्रेड है तो हंड्रेड माइनस वन यानी कि नाइनटी नाइन डी। और सेकेंड एपी के लिए, सेकेंड एपी के लिए जो हंड्रेड टर्म है स्मॉल ए हंड्रेड वो कितना होगा ए टू प्लस नाइनटी नाइन डी। अब कह रहे हैं इनका डिफरेंस लेना है यानी सब्ट्रैक्ट करना है, चलिए साइन चेंज कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा पहले वाले एपी का हंड्रेड टर्म माइनस दूसरे वाले एपी का हंड्रेड टर्म, ये हो जाएगा इक्वल्स टू ए वन माइनस ए टू, ठीक है, और ये 99D 99D तो कैंसिल हो जाएगा। अब क्या कह रहे हैं कि ये जो 100th टर्म का डिफरेंस, तो भाई पहले 100th टर्म निकालना पड़ेगा। देखिए हमने 100th टर्म दोनों एपी का निकाल दिया, उसका डिफरेंस ले लिया, वो डिफरेंस कितना दिया आपको, दिया हुआ कि डिफरेंस जो वो 100 के बराबर है, यानी कि A1 माइनस A2 जो है वो 100 के बराबर है। अब कह रहे हैं फाइंड डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म, तो अब फिर से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले वाले एपी का 1000th टर्म क्या होगा, ए थाउजेंड, ये कितना हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, ए वन प्लस एन की जगह 1000 रखिए, 1000 माइनस वन यानी कि 999D होगा। अच्छा फिर उसके बाद फिर सेकेंड एपी देखते हैं, सेकेंड एपी हमारा हो जाएगा स्मॉल ए 1000, ये क्या हो जाएगा ए टू प्लस 1000 माइनस वन यानी कि 999D, ठीक है। अब इसका डिफरेंस हम लोग देखते हैं, जरा डिफरेंस क्या हो जाएगा, ए थाउजेंड माइनस ए स्मॉल ए थाउजेंड, ठीक है, साइन हमने बदला है ना, साइन बदल लीजिए, ये हो जाएगा ए वन माइनस ए टू, और 999D माइनस 999D तो हट जाएगा, तो यानी कि जैसे 100th टर्म, कहना क्या था डिफरेंस बिटवीन 100th टर्म, तो पहले 100th टर्म निकाल लिया उसका डिफरेंस ले लिया, वो डिफरेंस पहले से कह रखा कि 100 के बराबर है, डिफरेंस किसके बराबर है, A1 माइनस A2, उसे हमने 100 के बराबर लिख लिया। फिर कह रहा है कि अब 1000th टर्म का डिफरेंस निकालो, तो भाई 1000th टर्म का डिफरेंस, तो पहले हम 1000th टर्म निकाल लेंगे फिर उस सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 1000th टर्म का डिफरेंस भी A1 माइनस A2 आ रहा है और A1 माइनस A2 100 के बराबर है, यानी 1000th टर्म का डिफरेंस भी 100 के बराबर होगा, यानी 55th टर्म का डिफरेंस कितना होना चाहिए, सेम आप रख कर देख लीजिए, A1 प्लस 54D, A2 प्लस 54D सब्ट्रैक्ट करके देखिए 100 ही आएगा। हर टर्म का जो एक कॉमन डिफरेंस इनका सेम है, इसलिए कोई सा भी टर्म आप ले लीजिए, 52nd टर्म, 92nd टर्म, 552nd टर्म, हर टर्म का जो डिफरेंस है वो सेम आएगा, 100 के बराबर आएगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके के सवाल कर लीजिएगा, एक सवाल मैं आपको दे रहा हूं, इसको आप पहले नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों ये दो सवाल है, मैंने कुछ किया नहीं है, बस वैल्यूज चेंज कर दिए हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। क्वेश्चन है डिटरमाइन एपी हुज थर्ड टर्म इज 30 एंड 15th टर्म एक्सीड्स 11th टर्म बाय 28, ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है टू एपी हैव सेम कॉमन डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 22, फाइंड डिफरेंस बिटवीन देयर 182nd टर्म, ठीक है, ये दोनों सवाल आप लोग कर लीजिएगा। चलिए इसको नोट कर ले बच्चों।
ठीक है। तो बच्चों ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.2 हमने कर लिया। काफी हद तक हमने आरडी शर्मा से भी इस तरीके के क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस आरडी शर्मा में अच्छे अच्छे हैं जो एनसीईआरटी में नहीं है, वैसे क्वेश्चंस हम लोग अगले लेक्चर में कवर करेंगे, तो ये एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से थोड़ा प्रैक्टिस करें एनसीईआरटी, फिर आरडी शर्मा करते हैं अगली क्लास में, इसको भी आप नोट कर लीजिए।